हाय गाइस, वेलकम टू डिजिटल डेस्टिनेशंस। आज हम लोग जा रहे हैं कोलाबा किला, जो कि अलीबाग बीच के सामने सामने स्थित है। तो अभी हम लोग अलीबाग बीच में खड़े हुए हैं और आपको यहां से जूम करके मैं दिखा रहा हूं। सामने जो आपको दिख रहा है यही कोलाबा किला है। तो अभी हम लोग यहां जा रहे हैं और हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर में पानी का लेवल जो है वो कम रहता है, लेकिन शाम को पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिसके वजह से हम जब शाम को यहाँ से रिटर्न होंगे तो हम नाव में आएंगे, मीन्स हम बोट में आएंगे शाम को। बट अभी पानी का लेवल कम है, इसलिए हम चल चल के जा रहे हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा पानी का लेवल, आप देखिए यहाँ पे घुटने तक है, तो हम यहाँ तक चल के जा सकते हैं। तो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, आप देखिए मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ और घुटने तक यहाँ पे पानी है, आप देख सकते हैं। तो इजीली यहाँ से चलना पॉसिबल है, लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हाइट या बच्चा है तो उसको दिक्कत होगा चल के जाने के लिए। तो तब तक मैं इस किले के बारे में आपको बता देता हूँ। ये किला जो था वो मराठा साम्राज्य के अंडर में था, मीन्स छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे इसको लीड करते थे, और मराठा नौसेनापति कान्होजी आंगड़े ने इस किले को 18वीं सदी में बनाया था, और ये नेवी का मुख्यालय हुआ करता था मराठा साम्राज्य का उस समय। तो अब हम लोग किनारे पे आ गए हैं, मीन्स हम किले के पास आ गए हैं, आप देखिए अंकिता आ रही है। तो ये हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली इधर आ गए और घुटने तक यहाँ पे पानी था। अब हम लोग जाएंगे किले के अंदर। तो यहाँ पे एंट्री फी जो हमें लगा वो 20 रुपये पर पर्सन लगा। ASI के वेबसाइट से भी टिकट कटा सकते हैं। और ये इसका मेन गेट है, आपको यहाँ का मैं दिखा रहा हूँ वर्क, इसको थोड़ा सा रिनोवेट किया गया, आप देखिए गेट वगैरह इसके ठीक से बनाए गए हैं। और हम लोग अब इसके अंदर आ गए हैं, एंट्री कर लिए हैं। एंट्री करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह दिख रहा है, और यहाँ से हम अभी आगे जाएंगे, ये रास्ता है आगे जाने के लिए, तो चलते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए फील्ड ऑफिस है, यहाँ से हम आए थे और हमको जाना है इस साइड में। ये जो रास्ता दिख रहा है ये पूरा किले के अंदर जा रहा है, हमको इस रास्ते में जाकर अंदर पूरा किला देखना है। तो आगे चलते हैं और देखिए काफ़ी हद तक ये डेटोरेट हो चुका है, लेकिन स्पेस इसका काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स काफ़ी ये बड़े स्पेस में बना हुआ किला है। और सामने एक मंदिर भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा, वो मंदिर के अंदर जाके सब कुछ दिखाऊंगा। बट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये 70% तक डेटोरेट हो चुका है। और एक चीज़ और यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर लोग काफ़ी कम है। तो जैसे मुरुड़ जंजीरा वगैरह में लोग काफ़ी जाते हैं, बट यहाँ काफ़ी कम लोग आते हैं। अब ये पता नहीं इतने कम लोग यहाँ क्यों आते हैं, बट यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये नौसेना का मुख्यालय रह चुका है। आप देखिए यहाँ पे एक सेक्शन में मैं अंदर आ गया हूँ, और ये जगह को देख के लग रहा है कि पास्ट में यहाँ पे कमरे बने होंगे, जो कि अभी उखड़ गया है काफ़ी हद तक। और ये मंदिर है जो कि हम जाएंगे बाद में। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के उस पार आपको समुद्र मिलेगा, तो ऐसा बाउंड्री चारों तरफ है। अब हम लोग इस मंदिर के अंदर जाकर देखते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले मैं बाईं तरफ जाऊंगा और यहाँ पे क्या है देखूंगा। यहाँ गणपति जी का एक प्रतिमा बना हुआ है छोटा सा, और अंदर चलकर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे वाटर रिजर्वर है, बावड़ी बना हुआ है, और अभी भी ये काफ़ी पहले जैसा ही है, मतलब ये डेटोरेट नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक ये बिल्कुल सिक्योर्ड है, और पानी अभी भी यहाँ पर जमा है बिल्कुल जैसे पहले था। तो अभी तक इस पूरे किले में सबसे ज़्यादा सस्टेन करके कोई चीज़ रखा गया है तो वो ये पावड़ी है, और इधर से कोई रास्ता बना हुआ है, चलिए जाकर देखते हैं क्या रास्ता है। तो आगे जाकर देखते हैं। ये जगह मुझे लग रहा है धूप के रोशनी से बचने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब यहाँ से पानी वगैरह भरते होंगे तो काफ़ी समय यहाँ वेट भी करते होंगे, और एक साथ सारा पानी भर कर जाते होंगे। तो हम लोग वापस चलते हैं अब मंदिर की ओर। तो ये गेट है मंदिर का, इसके अंदर हम लोग एंट्री कर लिए हैं, और यहाँ पे ये हनुमान जी का एक मूर्ति दिख रहा है, छोटा सा मंदिर। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको मेन मंदिर के अंदर भी लेकर जाऊँगा और वहाँ भी देखेंगे कि क्या है। तो ये मेन मंदिर है, और यहाँ पे देखिए ये एक स्टैंड लगा हुआ है जहाँ पे दिया जलते थे। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत पुराना पेड़ भी है, ये पीपल या बरगद पता नहीं क्या है, बट काफ़ी पुराना ये पेड़ है। तो ये पूरा बाउंड्री आप देखिए, मंदिर का कैंपस है, इतना बड़ा सिर्फ ये मंदिर का कैंपस है पूरे किले में। और यहाँ से मैं बैक आकर दिखा रहा हूँ आपको कि ये कैंपस कैसा दिखता है। तो ये पेड़ हो गया, और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर जो मैंने आपको दिखाया वो यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग मेन मंदिर में चलते हैं, ये गेट है मेन मंदिर का, और अंदर मैं आ गया हूँ। यहाँ से पता चला कि ये गणपति जी का मंदिर है, और इस मंदिर का मैं अभी एक परिक्रमा करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ का डिटेलिंग दिखा रहा हूँ कि अभी भी ये मंदिर बिल्कुल मजबूत है। किला भले डेकोरेट हो गया, बट मंदिर बिल्कुल पहले जैसा ही है। और यहाँ से परिक्रमा मैं करता हूँ, काफ़ी संकरा रास्ता है यहाँ पे, अंधेरा भी है, लेकिन मैं एक परिक्रमा यहाँ पे कर लूँगा। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना ये मंदिर है, पत्थर वगैरह बिल्कुल स्टैग्नेंट है जैसे थे, बिल्कुल भी नहीं हिले हैं। तो मंदिर और यहाँ का बावड़ी पहले जैसा ही है, बाकी किला काफ़ी हद तक यहाँ डेटोरेट हो चुका है। तो ये मंदिर हमने परिक्रमा कर लिया गणपति जी का, अब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। आगे आने पर हमें ये गेट दिखा, और ये गेट जो है सीधा समुद्र की तरफ खुलता है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे व्यू देखिए, काफ़ी अच्छा व्यू आता है इस गेट का।
और ये सीधा समुद्र की ओर खुल गया है। आप देखिए, हम लोग अब सीधे समुद्र में आ गए। किले से सीधा समुद्र का ये गेटवे है। मैं आपको यहाँ से 360 व्यू भी दिखाऊंगा। पहले आप यहाँ पे देखिए, ये समुद्र के लहरें डायरेक्ट यहाँ से दिख रही है। और देखिए, ये किला है हम लोग जहाँ से आए, और पीछे में ये गेट हो गया जहाँ से हम लोग अभी आए। तो हम लोग इस जगह से आगे बढ़ गए और हम लोग किले के समुद्र के साइड वाले बाउंड्री पे चढ़ गए, और यहाँ से हम लोग इस मंदिर को देख रहे हैं। यहाँ से हमें मंदिर और बाउंड्री दोनों दिख रही है, और यहाँ पे काफी तेज हवाएं भी चल रही है, जो कि आपको महसूस हो रहा होगा। अब यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ इस बाउंड्री का। देखिए, यहाँ से हम समुद्र को भी देख सकते हैं। तो ये चीज बनाया गया था प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ से फायरिंग वगैरह तो गोले वगैरह दागे जाते होंगे, और ऐसा पूरा बाउंड्री बना हुआ है। तो बाउंड्री भी यहाँ पे काफी हद तक डेटोरेट नहीं हुआ है, वैसी का वैसी है। ऐसे देखिए, यहाँ पे 4-4 फीट में यहाँ पे बनाए गए हैं गैप। और यहाँ से अगर आप व्यू देखोगे समुद्र का, तो काफी अच्छा व्यू आपको दिखता है। और ये कैंपस है अंदर का, और इधर बावड़ी और मंदिर है। ये आप देखें, यहाँ से समुद्र का मैं यहाँ से वीडियो ले रहा हूँ। बिल्कुल खूबसूरत यहाँ पे आपको नज़ारा दिखेगा, और एकदम शांत एनवायरनमेंट है यहाँ पे। बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसके साथ लहरें भी आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आधा घंटा भी स्पेंड कर सकते हो। तो मैं आपको इसका पूरा 360 व्यू दिखाता हूँ, तो आपको अंदाजा होगा कि कितने बड़े कैंपस में ये किला है। आप देखिए कितना दूर इसका एंड है, और कितने बड़े कैंपस में ये फैला हुआ है। इधर से लोग आ रहे हैं इस बाउंड्री से, तो इतना बड़ा ये किला है। आप देखिए, इधर में समुद्र है, और इसके बाद हम लोग जाएंगे अभी अगले बाउंड्री में। उस साइड के बाउंड्री में देखेंगे कि उधर क्या है। तो ये अगला बाउंड्री है, और इधर ज्यादातर पत्थर हैं, इधर बीच नहीं है। जैसे उस साइड हम लोग समुद्र देख पा रहे थे, इस साइड हम पत्थर देख पा रहे हैं। तो हमें लगभग यहाँ पे एक घंटा लगा, और हमने पूरा यहाँ पे किला घूम लिया। और जैसा कि मैंने बोला था, रिटर्निंग हम लोग यहाँ पे बोट से करेंगे, क्योंकि अब पानी का लेवल जो है वो बढ़ चुका है, और गले तक पानी का लेवल आ चुका है। तो हम लोग बोट से रिटर्न जा रहे हैं। बोट का चार्जेस यहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन था। ये 100 रुपये लेकर हमको वापस से अलीबाग बीच पर छोड़ देगा, और इस बोट ने हमें 15 मिनट में अलीबाग बीच पहुँचाया। तो गाइज, ये मेरा पूरा का पूरा वीडियो था कोलाबा फोर्ट पर। मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग कोलाबा फोर्ट को इग्नोर मत करो, यहाँ भी आया करो। ये भी काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फोर्ट था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप कहीं मिस नहीं करना चाहते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।